छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भिलाई 3 द्वारा आया श्रीमती बी भाग्यवती के सेवानिवृत्त उपरांत विदाई समारोह भिलाई 3 के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा शामिल रहे। वहीं अध्यक्षता डॉक्टर भुवनेश्वर कठौतिया, विशेष अतिथि डॉक्टर नितिन कश्यप थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सैयद असलम ने बताया कि श्रीमती बी भाग्यवती 1986 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में आया पद पर पदस्थ हुई थी। अनवरत सेवा देकर रिटायर्ड हो गई मुख्य अतिथि खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि किसी भी कर्मचारी के लिए एक बड़ी सौगात है, जहाँ पदस्थ हो रही है वहीं से रिटायर हो, इसका अर्थ है संबंधित कर्मचारी का आचरण व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा होने की मिसाल है। डॉक्टर भुवनेश्वर कठौतिया ने यह भी बताया कि सेवानिवृत्त उपरांत कुछ ना कुछ काम करते रहे जिससे शरीर क्रियाशील रहे, सभी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए शॉल और श्रीफल और साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में हमारे यहाँ की जो स्टाफ हैं, भागवती अम्मा जो आया के पोस्ट पर यहाँ पे वर्क कर रही थी, उनका आज विदाई समारोह यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। इस विदाई समारोह के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हम और हमारे कर्मचारी अधिकारी लगातार यहाँ पे अपने जीवन के कार्यों में शासकीय सेवा में कार्य करते हैं और ऐसी स्थिति आती है जब उनका सेवानिवृत्त होता रहता है तो उस समय उन्हें बहुत उनके कार्यों की सराहना करते, उनके जो कार्य के दौरान जो उतार चढ़ाव हैं उनको एक दूसरे से साझा करते और बाकी स्टाफ जो रिटायर हो रहे हैं उनके अनुभव को सीख के उनसे सलाह लेके एक दूसरे को समझने का अवसर प्रदान करता है। इसके साथ साथ भिलाई 3 के जो स्टाफ हैं और शासन और स्वास्थ्य विभाग अभी क्वालिटी केयर पे भी बहुत ध्यान दे रहा है। उस क्वालिटी केयर में मरीजों के की सेवाओं, उनकी सुरक्षाओं के साथ साथ उनके सेटिस्फेक्शन के साथ साथ स्टाफ सेटिस्फेक्शन और स्टाफ की संतुष्टि पे भी वर्क कर रहा है। उसमें ये भी होता है कि ऐसा विदाई समारोह कर उनको सम्मान देकर विदाई करना एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का भी एक पार्ट होता है, जो इस भिलाई 3 की टीम ने ये बखूबी निभाया है और आगे हम यही चाहेंगे कि पूरे पाटन ब्लॉक में और ज़िले में भी इस तरह की सम्मान समारोह होते रहें जिससे अन्य स्टाफ को भी मोटिवेशन मिलता रहे, उनको कार्य करने में आसानी है और अच्छे से कार्य कर सके। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर कार्यक्रम आयोजित करता है और इस सब का मिला जुला हम लोगों का कार्यक्रम होता है। इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, हर वर्ग के लोगों को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जो भी वर्ग का कर्मचारी रिटायर होता है उसको विदाई करते हैं। हमारी शासन प्रशासन से मांग ये रहती है कि इस दिन जो कर्मचारी रिटायर होता है उसका सारा देयक उसी दिन मिल जाना चाहिए और BMO पाटन द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है और सारे देयक उसी दिन दे दिए जाते हैं। कुछ देयक को में जो वित्तीय प्रॉब्लम रहती है उसको एक महीने के अंदर क्लियर कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पेंशन प्रकरण निराकृत हो रहे हैं, इसकी हम लोग को बड़ी खुशी है कि रिटायरमेंट के कर्मचारियों के बाद उसको 3 महीने के अंदर उसका सारा चीज़ मिल जाना चाहिए जो हमारे पाटन ब्लॉक में मिल रहा है, इसकी बहुत खुशी है। इसीलिए हम सम्मानपूर्वक अपनी कर्मचारियों को विदाई समारोह आयोजित करते हैं। नमस्ते, सब मेरे लिए सब अच्छा है, सबको साथ में मैं ड्यूटी कर रही हूँ से। अभी मेरा को विदाई हो रहा है, सब मेरे लिए अच्छे है, सब डॉक्टर सब सब स्टाफ। नहीं सर, नहीं दे पाऊँगी, बाद में बताऊँगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।